पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम के तहत एएमयू में पोखर की सफाई के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया है। दरअसल पोखर की सफाई के लिए वार्ड क्रमांक 40 से यह सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम के तहत वार्ड नंबर 58 में पोखर की सफाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया गया है। धरने की अगुवाई अभिनव कुमार छोटू ने की। इस धरने को संबोधित एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा किया गया है। वहीं इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं इस दौरान सफाई को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात भी रखी है। यहाँ जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, खास करके मैं बिहार के बता दूँ, ये वार्ड 48 है। अब इसी पोखर के बारे में जो भी चर्चा चल रही है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो सदस्य हैं, यही तमाम पोखर को लेके उन्होंने मुद्दा उठाया है। और यहाँ हमारे जदयू के जो हमारे मंत्री हैं, उनका भी यहाँ पे आवास है। और यहाँ की जनता परेशान है, काफ़ी परेशान होने के बावजूद जो यहाँ के कुछ समाजसेवी भी हैं, तो राजनीति के झांसे में आके मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक ही कहना है, आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर आगे क्या करते हैं, चलिए जानेंगे दरभंगा से समझा के साथ। जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग कि 20 वर्षों में इस पोखरी को किसी ने इंसाफ नहीं किया, कितने पार्षद जी आए कितने गए, लेकिन आज तक मतलब किसी ने भी मतलब इसको कचरा उठाओ या साफ साफ सफाई के विषय में किसी ने नहीं सोचा। आज इन लोग के माध्यम से यहाँ पे ये आपको क्या बोलते हैं, इन लोग के माध्यम से यहाँ पे साफ करने के लिए इन्होंने यहाँ आए हैं। और देखिए यहाँ पर आप ये लोग क्या करते हैं। अब हम लोग इन लोग से आशा करते हैं कि इन लोग के माध्यम से हमारी पोखरी साफ सफाई हो। इतने बड़े महापर्व को अच्छा तरीके से मनाया। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार साहू। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक मात्र सेनानी हूँ। जो अभंडा पोखर पिछले 50 साल में साफ नहीं हो पाया, वो अभंडा पोखर का आज एक नया रूपरेखा देखने को मिला है। कह सकते हैं कि अभंडा पोखर में 30 साल बाद इस बार छठ महापर्व मनाया जाएगा। और वार्ड 40 में तमाम जनताओं में खुशी का माहौल है कि 30 साल बाद अभंडा पोखर में छठ मनाया जाएगा। आप जाकर के देख सकते हैं अभंडा पोखर में संघर्ष में लगा। कितनी बार इसकी खबर चलाई हुई है इस पोखर के बारे में? जी हम लोग पिछले एक साल से उस पोखर के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ में हमने कंप्लेन किया, हम लोग जनता दरबार में कंप्लेन किया, हम लोग एसडीओ को ज्ञापन के माध्यम से कंप्लेन किए, हम लोग नगर डीएम महोदय साहब को कंप्लेन किए, हम लोग दरभंगा नगर निगम में कंप्लेन किए, विभिन्न माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चला करके हो, अपना अनशन करके हो, धरना करके हो, भूख हड़ताल करके हो, हम लोगों ने विभिन्न तरीके से नगर निगम प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखे। और उसका फलस्वरूप ये देखने को मिला कि आज अभंडा पोखर का एक नया रूपरेखा देखने को मिला। कहना यही है कि जिस तरह से अभंडा पोखर का साफ सफाई हुआ, ठीक उसी तरह वार्ड 48 अंतर्गत बलवाई पोखर का भी साफ सफाई होगा। इसके लिए मेरा नाम अविनाश सहनी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। इस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे मिथिला स्टूडेंट यूनियन छठ जैसे महापर्व में सारे मिथिलांचल के लोगों को, सारे भाई बहनों को सौहार्द पूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में छठ मनाने की शुभकामना देती है और चाहती है कि वे सारे लोग छठ मनाएं, मिथिला के समृद्धि की बात करें, मिथिला के विकास की कामना करें और उनके जीवन में नया रौनक आए, नया तरीके का उजाला आए, यही मैं कहना चाहूँगा। क्या नाम हुआ? अविनाश भारद्वाज मिथिला।